हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड इवनिंग। ये हो रहा है इवनिंग का टाइम, शाम का 5 बज रहा है और मैं कर रही हूँ अपने वीडियो को स्टार्ट। ऐसे तो मैंने आज मॉर्निंग में भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं शाम को भी एक वीडियो बनाऊंगी। आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर गया कि मैं अभी से वीडियो स्टार्ट कर दूँ, कि मैं अभी जा रही थी, थोड़ी देर में मैं अब नारियल का लड्डू बनाने जा रही हूँ। जो मेरे पापा ने नारियल दिया था ना, छठ पूजा से आई थी वापस, तो मैंने आपको दिखाया भी था। उस 3 नारियल दिए थे, एक नारियल का मैं लड्डू बनाऊंगी आज, और 2 नारियल का बाद में मैं कुछ और रेसिपी बनाऊंगी, तो मैं उस समय बाद में शेयर करूंगी जो भी बनाऊंगी। तो आज मैं एक लड्डू बनाने जा रही थी, नारियल का एक नारियल का लड्डू बाद में बनाऊंगी। तो मुझे मेरा वही मेरा मन किया कि चलो मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, वीडियो भी बन जाएगा, ब्लॉग भी बन जाएगा और मैं रेसिपी भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में। तो बस मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अब कहाँ जाके ये एंड होगा और कब एंड होगा ये तो पता नहीं, लेकिन स्टार्ट कर दिया। चलो कोई नहीं, कहीं ना कहीं जाके तो एंड हो ही जाएगा। फिलहाल तो अभी मैं चलती हूँ, पहले शाम का चाय नाश्ता ये सब जो भी है पहले चाय बना लेती हूँ, चाय नाश्ता कर लेती हूँ, बच्चे भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ में नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर करती हूँ। पहले चाय नाश्ता करने के बाद मैं बनाऊँगी मैं। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ चाय बनाने, तो यहाँ मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो पहले कर लेंगे हम सब लोग चाय और नाश्ता, उसके बाद फिर आगे आगे जो जो करूँगी सब दिखाते रहूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। तो ये देखिए मैंने नाश्ता भी ले लिया यहाँ पे, मिक्सचर और ये जो एक ठेकुआ ले, बस बच्चे लोगों ने कहा मैं नहीं खाऊँगी, तो मेरा मन किया तो मैंने एक ले लिया है। और छोटी वाली बेटी के लिए ना मैंने अलग से कटोरा में अलग से मिक्सचर दिया, कि वो दोनों बहन को एक साथ देती है ना तो वो लोग हमेशा झगड़ने लगते हैं, तो इसलिए मैंने उसको अलग दिया है। और मैंने अपने लिए और तानिया के लिए एक जगह ले लिया था, और तृप्ति को मैंने अलग दिया था। ये देखिए वो अलग खा रही है, वो एक साथ खाई है, दोनों को लड़ाई होना बहुत ज़रूरी होता है, पता नहीं किस न किस वजह दोनों लड़ ही रहते हैं, इसलिए हमेशा मैं दोनों को अलग ही दे देती हूँ। हाँ, मैंने एक ठेकुआ लिया था, तो ये जो ठेकुआ है ना, मतलब ठेकुआ खस्ता वो जो भी बोलिए, तो इसको ये ना मुझे चाय के साथ अच्छा लगता है, चाय के साथ डुबा के खाने से नरम हो जाता है ना, सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर मैं चाय के साथ इसलिए डुबा के खाती हूँ। मैं तो सब्जी के साथ भी खा लेती हूँ, मुझे तो सब्जी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। मम्मी तो बहुत सारा बना के वहाँ से दी थी ना, तो मैं ले वो कभी कभार मन करता है तो मैं फिर लेके खा लेती हूँ, या कभी कभी नाश्ता वगैरह करने का मन नहीं किया तो बस यही लेके 2 खा लिया, नाश्ता हो जाता है। तो मैं आज लेके आई चाय के साथ डुबा के खाने के लिए। चाय के साथ डुबो के खाने से ना सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। चाय सब्जी जिसके साथ भी खा लीजिए, और यही चाय और मिक्सचर हम लोग का हो रहा है। और यहाँ ना हम लोग सीरियल देख रहे थे, मैं ना सीरियल देख रही थी, मेहंदी रचने वाली जो देता है ना वही मैं यहाँ पे देख रही थी, 5:30 बजे देता है, तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी सीरियल। और यहाँ पे मैं नाश्ता भी कर रही थी शाम का, वो चल रहा था, तो मतलब सीरियल मैं ज़रूर देख लेती हूँ, यदि मैं किसी दिन छूट जाता है ना सीरियल तो फिर मैं बाद में हॉटस्टार पर देख लेती हूँ। तो देखिए चाय नाश्ता हो गया, उसके बाद ना मैं सोची कि चलो मैं नारियल का लड्डू बनाने जाती हूँ, तो उसके लिए मैं स्टैंड ले रही थी, तो ये स्टैंड है ना बहुत प्रॉब्लम करने लगा, टूट टूट जाता है, हमेशा ऐसे खुल जाता है, कितना बार मैं इसको जोड़ देती हूँ फिर ये खुल जाता है, यही होते रहता है, बहुत दिक्कत। आज मैं सुबह मॉर्निंग में जब रूटीन बना रही थी ना, जब क्लीनिंग का, तो बहुत दिक्कत हो रहा था, ऐसे बार बार खुल जा रहा था ये, तो फिर मैंने उसको ठीक किया, ऐसे तैसे ठीक करके वो बार बार खुल जाता है, टाइट कर देती हूँ वो फिर खुल जाता है। तो मॉर्निंग में भी दिक्कत हुआ जब मैं क्लीनिंग का बना रही थी, बार बार खुल जा रहा, डर भी लगा था कब मोबाइल गिर जाएगा, लेकिन फिर अभी मैं जोर जा के फिर उसको ला के यहाँ पे फिर नारियल के लड्डू बनाने आई हूँ। तो देखिए मैं नारियल के लड्डू कैसे बना रही हूँ, एकदम सिंपल तरीके से, इसमें कुछ नहीं डाला है मैंने, बस मैंने थोड़ा सा घी लिया है, घी की भी ज़रूरत नहीं, अपना घी भी स्किप कर सकते हो बस, लेकिन मैंने थोड़ा सा ले लिया है बस टेस्ट के लिए। और उसके बाद ना मैंने नारियल का यहाँ पर नारियल को थोड़ा देर कम में थोड़ा देर मैंने इसे भुना है, सिर्फ कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा मतलब 2-3 मिनट। उसके बाद जो मैंने पानी डाला ना वो पानी नहीं था, वो नारियल का ही पानी था, वो मैंने वो डाला है, मतलब एक्स्ट्रा पानी नहीं था, नारियल का पानी था। उसके बाद मैंने इसमें अपने जैसे आपको चीनी पसंद हो जितना मीठा उस हिसाब से मैंने चीनी डाला, उसके बाद इसी तरह से फ्राई करते जाना है अपने आप, नहीं अच्छे से फ्राई जब हो जाएगा ना तो अपने आप ये बंधने लग जाता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये हो चुका है, मैंने चेक भी कर लिया था बंध रहा है कि नहीं हाथ में लेके, तो ये लड्डू बंध रहा था, तो फिर मैं यहाँ पे प्लेट में खाली कर लूँगी और गरम गरम ही इसे मैं बनाऊँगी मैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर ये बनेगा नहीं, तो इसे गरम गरम ही बनाते हैं, हाथ में थोड़ा सा लगता भी है। और इस लड्डू में ना मैंने कुछ भी नहीं डाला, एकदम सिंपल तरीके से, मतलब कि कोई मावा नहीं, कोई मलाई नहीं, कोई दूध नहीं, कोई कंडेंस मिल्क नहीं, बस एक नारियल का गुरादा ना मैंने फ्रेश नारियल का बनाया हुआ है और चीनी। इस नारियल को ना मैंने ना मतलब पीस पीस में काट करके और मिक्सर ग्राइंडर में मैंने इसे मतलब पीस लिया था, ऐसे तो आप चाहो तो ग्रेट भी कर सकते हो। और ये देखिए सारा लड्डू बन के यहाँ पे तैयार है, यम्मी यम्मी सा नारियल का लड्डू, एकदम सिंपल तरीके का बना हुआ और बहुत ही टेस्टी।
उसके बाद मैं यहाँ बच्चे यहाँ पे पढ़ने बैठे हुए थे तो मैं इनके लिए भी लड्डू मतलब नाश्ता करके पढ़ने बैठ गए और मैं नारियल लड्डू बनाने चली गई थी। तो बना के फिर मैं इन लोगों को ला के दी हूँ। जितना ही लोग अभी जैसे गर्म गर्म बनो तो ना बनाने के बाद खाओ ना तो फिर मज़ा ही अलग होता है। ऐसे तो बाद में भी अच्छा ही लगता है लेकिन तुरंत बना के खाने का मन करता है ना कि अब टेस्ट करते हैं। तो वही मैं लेके आई थी तो तानिया को पूछ तुम खाओगे? तानिया उतना मीठा पसंद नहीं करती तो जल्दी उतना खाने नहीं चाहती है और छोटी वाली बेटी है ना तो वो बहुत मीठा पसंद करती है। तो अब मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा टेस्ट कर ली और इन लोगों बच्चों को भी दे दी, वो लोग भी खा लिए और उसके बाद हाथ धोने चली गई थी। अब मैं यहाँ पे पानी पी के और उसके बाद फिर तृप्ति को पढ़ने बैठाऊँगी मैं। तानिया तो खुद ही पढ़ लेती है तो बड़ी है, बस देख बोलना देखना पड़ता है नहीं तो वो खुद कर लेती है। उसके तो बोर्ड के एग्जाम्स भी चल रहे हैं अभी और यहाँ पर तृप्ति है उसको करा रही हूँ। एक बार अभी भी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, एक बार फिर मार्च में होगा, दो बार कर दिया अब तो ये लोगों ने सीबीएसई बोर्ड वाला ने। तो ये भी मैं तृप्ति को यहाँ पढ़ने बैठाई हूँ तो दो दिन से थोड़ा समय नहीं मिल रहा था ना तो मैं उतना लेके बैठ नहीं पा रही थी पढ़ने के लिए। बस मैं बोल देती थी करो करो करो, अपना मन से जो मन था वो करती थी तो इसलिए मैं यहाँ पे गुस्सा आ रही थी, बहुत डांट रही थी। दो तीन दिन पहले का पढ़ाई भी उसने नहीं किया था, मैं रोज़ बोलती थी क्यों करती नहीं थी। वही यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी डिनर बनाने के लिए। तो वहाँ बच्चे लोगों को पढ़ाने के बाद आके फिर मैं यहाँ पे आ गई डिनर बनाने के लिए। और बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं, वो लोग का पढ़ाई ख़त्म नहीं हुआ। वो बड़ी वाली बेटी तो रात में बहुत देर तक पढ़ती है लेकिन तृप्ति का तो वही 9:30 बजे तक पढ़ के फिर वो छोड़ देती है। तो उसको मैं बोल के आई तुम याद करो तब तक मैं जाती हूँ डिनर खाना बनाने। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी गोभी के भुजिया में, गोभी और आलू का। आलू को तो बस थोड़ा सा है, एक दो दिया है, मुझे ना बिना आलू का होता नहीं है, हर सब्जी में थोड़ा आलू होना चाहिए। मतलब मेरा आलू बहुत फेवरेट है, हर सब्जी में मुझे चाहिए तो इसीलिए मैं ज़्यादातर गोभी ही है इसमें। बस एक दो आलू मैंने, दो आलू छोटे छोटे आलू मैंने दिए थे, मुझे लगे कि हाँ इसमें आलू है बस इसी लायक कि मुझे आलू सब्जी में चाहिए होता है। जानते हैं जब यदि कोई सब्जी कभी ऐसा होता है ना जो बिना आलू, जैसे कि नेनुआ का सब्जी ये सब, तो उसमें आलू नहीं जाता है ना। मैं जिस दिन बना लूँ दिन में और मैं जिस दिन में आलू नहीं खाती हूँ उस दिन किसी न किसी टाइम एक टाइम तो मैं ज़रूर आलू की सब्जी बना कर खाऊँगी। मतलब जिस दिन मैं आलू नहीं खाऊँ तो मुझे ज़्यादा मैंने खाना ही नहीं खाया। मैं आलू मेरा ज़रूरी बहुत ज़रूरत वाला चीज़ है, मैं हर चीज़ में मिला देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ गोभी आलू की भुजिया, मतलब गोभी ज़्यादा आलू दिख भी नहीं रहा होगा आपको। तो ये भुजिया बन के तैयार हो गया है गोभी आलू की और मैंने आटा भी लगा के रख लिया। सोचा तब तक आटा रेस्ट करेगा तब तक मैं यहाँ पे बर्तन धुल लेती हूँ। उस समय मतलब नारियल के लड्डू वगैरह बना के और चाय वगैरह बनाया था, पिया था और सब कुछ बर्तन मैंने बस छोड़ दिया था। सोचे पहले बच्चे को पढ़ा देती हूँ उसके बाद फिर सारा एक बार जाऊँगी जब डिनर बनाने के लिए तब एक साथ ही सब कुछ साफ़ सुथरा कर दूँगी। तो भुजिया बन चुकी थी, आटा लग गया था और यहाँ मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, सारा क्लीन कर लूँगी, उसके बाद बस गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे और बस खाएंगे। और हस्बैंड तो है नहीं, बस दो बच्चे और मैं बस यही हैं। तो यहाँ मैं सारे बर्तन को पहले धो ले रही हूँ। आज तो मैंने आज एक दिन में दो दो वीडियो बना लिया, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। तो वरना तो मेरे एक भी टाइम कम बनाने का मन नहीं करता, समझ में नहीं आता क्या दिखाऊं क्या करूं, लेकिन आज पता नहीं कैसे मन कर गया तो मैंने बना लिया। नारियल के लड्डू भी बनाने वाली थी तो मैं सोचा लो रेसिपी भी शेयर कर देती हूं, वीडियो भी बना लेती हूं, आज इच्छा भी है बनाने की तो बना लेते हैं। तो यहाँ सारा बर्तन मेरा धुल चुका है और अब बस यहाँ पे अब मैं रोटी बनाना बचा हुआ है तब मैं गर्मा गर्म रोटी बना के बस खा पी के फिर तो जल्दी तो कोई सोता नहीं है, खाना पीना खाते धोते होते तो 11 बज जाता है। मैं तो ना अभी कितना 10 बज रहा होगा, इस समय 10 बज रहा था। मैं तो लेट से 9 बजे तो बनाने ही जाती हूँ मैं खाना, मेरे यहाँ सबको लेट से खाता है। यदि मैं जल्दी बना भी दूँ ना फिर भी कोई नहीं खाने वाला, फिर क्या फ़ायदा ना जल्दी बना के। एक गर्मा गर्म रोटी बनाओ और खाओ उसका मज़ा ही अलग है। गर्म गर्म रोटी का तो मतलब एक आदमी रोटी ज़्यादा ही खा लेगा लेकिन ठंडा हो जाओ तो फिर भूख से भी एक रोटी कम खाते हैं। तो बस इसीलिए मैं कभी भी पहले बना के नहीं रखती हूँ। सब्जी तो बना के रख भी दूँ लेकिन रोटियाँ कभी नहीं बनाती हूँ, गर्म गर्म बनाते हैं, गर्म गर्म ही लेके खा लेते हैं। अभी जैसे कि सारा बर्तन धुल गया है, मैंने गैस भी सब पोंछ दिया था, भुजिया भी बन गई है, बस गर्म गर्म रोटी बनाएंगे। जो थोड़ा बहुत आटा गिर जाता है ना रोटी बनाते समय, बस उसको थोड़ा सा पोछा लगा के, मतलब गैस को हल्का सा हाथ लगा के पोंछ के, उसके बाद फिर हम लोग सब बैठ जाएंगे माँ बेटी खाने के लिए। हम ही 3 जन तो हैं। तो देखिए छोटी वाली बेटी का पढ़ाई हो चुका है, वह यहाँ वहाँ फुदक रही है, कुछ कुछ बोल रही है, मेरे से बातें कर रही है तो मैं भी कर रही हूँ और यहाँ पर अपनी रोटी भी मेरी बन रही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और कुछ कुछ ठंड लग रही थी ना तो सॉल रोड के मेरे से काम तो होता नहीं है तो बस मैंने आज जल्द से ढक लिया था। और ये देखिए पहली रोटी थी ना तो ये फूली नहीं, कभी कभी ना ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि पहला रोटी फूलता है, ऐसे तो कभी फूल जाता है लेकिन कभी नहीं भी फूलता है। बस तो ये पहली रोटी मेरे से फूली नहीं, बाकी जितनी भी रोटी बनेगी ना सारे फिर फूली फूली निकलती है।
तो ये देखिए ये फ़ोन आ गया था मेरे हस्बैंड का, तो वही तानिया लेके आई थी, स्पीकर ऑन कर दी थी, बोली मम्मी अब बात भी कर लो और अपना वो टीवी बना लो, तो स्पीकर ऑन कर दी थी, बात भी कर रही थी। तो तानिया का टैब में फ़ोन किए थे तो उसके टैब में ना आवाज़ बहुत कम आता है, तो वही मैं बोल रही थी कि इसमें बहुत आवाज़ कम आ रहा है तो दूसरे मोबाइल में फ़ोन करने के लिए, तो वही तानिया लेके चली गई वापस कि दूसरे मोबाइल में फ़ोन मतलब करेंगे, इस पता नहीं कि उसके टैब में बहुत कम आवाज़ आता है। तो ये देखिए दूसरे मोबाइल में अब उन्होंने फ़ोन किया, तब इस मोबाइल से बात चल रहा था, इसमें अच्छा आवाज़ आता है। तो ये छोटी वाली बेटी का मोबाइल है, ये पहले जब ऑनलाइन क्लास चलता था ना तो वो इसी से क्लास किया करती थी, अब तो ऑफलाइन हो गया, लेकिन फिर भी अपना अपना सब पढ़ाई करता है, अपना अपना स्नैपवर्क पर सारा होमवर्क वगैरह आता है ना, तो अपने अपने मोबाइल से चेक करते हैं, अपना अपना करते हैं। और तानिया अपने टैब से बायजू की पढ़ाई करती है, तृप्ति अपना मोबाइल से स्नैपवर्क वगैरह में जो भी स्कूल से भेजते हैं होमवर्क वगैरह वो करती है। तो बस यहाँ देखिए मेरी रोटियाँ बन के तैयार, फिर हस्बैंड से बात उत करने के बाद में सब यहाँ पे साफ़ सुथरा करके गैस वगैरह पोछ ली हूँ, अब जाने हम लोग डिनर करने के लिए। ये भुजिया और रोटी, सिंपल सी एकदम खाना रात का, रोटी और भुजिया हर समय, क्या पराठा पूरी। तो मियाँ पहले मैं तृप्ति को खिलाने आ गई, उसको ना थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था, होगा ही ना कि अब दिन भर तो मोबाइल देखते रहती है ये लोग, तो क्या करेगा, सिर दर्द नहीं करेगा, और मोबाइल भी देखेगी ना एकदम आँख में चिपका के देखने लग जाती है, तो मैं उस समय डांटूंगी तो सुनेंगे नहीं, बाबा जब सिर दर्द करेगा तो सिर दर्द कर रहा है। और देखिए सो खाना खाने का मन नहीं, तो कितना नखरा कर रही है, दांत दर्द कर रहा है तो ये दर्द कर रहा है, तो फिर ऐसे मनाते मनाते ठीक से खिलाते रहे तो मुझे आ जाएगा अब गुस्सा। तो ठीक है, तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।